शीज फाइन, इन्हें बस वार्ड में शिफ्ट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने मेरी बेटी की जान बचा ली, वरना और हॉस्पिटल वालों ने तो ये केस लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन जान बचाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, आप परेशान मत हो। शुक्रिया। सॉरी यार, इमरजेंसी में निकलना पड़ा। तुम सोचो मैं कैसे निकलूंगा वहां से, ना मेरे पास पैसे थे ना मोबाइल, और सबसे बड़ी बात तुम्हें गाड़ी समेत गायब पाकर मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी इस बात का अंदाजा है तुम्हें? पिछले 3 घंटों में कयामत से गुजरा हूँ यार। पहले पुलिस स्टेशन गया, वहां धक्के खाता रहा, फिर एक रक्षे वाले की मिन्नतें समझे थे कि तुम्हारे घर तक पहुंचा, मम्मा से पैसे लेकर उसे दिए, तो पता चला कि डॉक्टर साहबा यहाँ पर इमरजेंसी को। अरे अरे तारा, तारा डॉक्टर, हेलो तारा डॉक्टर, अरे डॉक्टर तो ये खुद तारा, हेलो तारा डॉक्टर, तारा डॉक्टर, इनका ब्लड प्रेशर 90/70 है। सारा सारा दिन तुम खाना नहीं खाओगी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो लो ही होगा ना। आई एम सॉरी, इसने 2 बार मुझसे कहा था खाना खाने के लिए, मैं अभी तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा। डॉक्टर मामा पैसे, कैफेटेरिया का बिल मैं पे कर दूंगी, और बाद में इसे घर भी ड्रॉप कर देना, लेट हो जाऊंगी मैं। जी स्ट्रेचर मंगा लूं? क्यों? कैफेटेरिया जाने के लिए, ऐसे कोई नहीं, मैं गोद में ले जाता हूँ, खुद चल सकती हूँ। अरे बात तो सुनो, उस वक्त भी कह रहा था खाना खा लो, लेकिन खुद नहीं खाया तुमने। वो चप्पल तो निकाल लूं। चलो तुम्हारे पीछे ही हूँ, गिरने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। कमल के सीधे हाथ पे। थैंक यू भाई साहब। मालिक थैंक यू। पता है मैं आना नहीं चाहती थी इस मेडिकल फील्ड में, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये प्रोफेशन पसंद नहीं है, मुझे लगता था शायद मैं कभी इससे इंसाफ नहीं कर पाऊंगी। मेरा सारा बचपन इसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर, ओपीडी और इमरजेंसी में भागते दौड़ते गुजरा है। बाज़ दफा मामा और नानों के 24-24 घंटे यहीं गुजरते। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सारी, लेकिन अपने काम से ना इश्क है मुझे, और इश्क बाज़ दफा मोहब्बत पर गालिब आ जाता है। इसलिए तुम अभी भी चाहो तो अपने लिए कुछ और सोच सकते हो। अब क्या सोच लूं मैं, तुम्हारे साथ इतना मशहूर हो गया, मैं कोई नहीं मिलेगी मुझे। चलो चल के गाड़ी में बैठो, कोई और सोच लो। बहुत आला भाई, वाह।